आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ एनसीए से? आर्किटेक्चर पढ़ रही हूँ एनसीए से, अभी रहता है एक साल। हाउ आर यू गोना मैनेज पढ़ाई, एक्टिंग, इंस्टाग्राम? अच्छा, आई हैव दिस हैबिट कि मैं कोई भी ड्रामा या फिल्म देखती हूँ, मेरे ऊपर ना उसका कैरेक्टर मैं बन जाती हूँ। ठीक है, लाइक नीलम मुनीर का ड्रामा था। अब मेरी ना अम्मी मुझे दो तीन दिन बाद कह रही है, अम्मा तो उल्फत की तरह बोलने लग गई। या यू नो आई वुड लाइक रोल माय आईज। सो आगे एक्टिंग कंटिनू है? अब तो शौक देयर इज नो गोइंग बैक। मुझे इनका एक और ड्रामा ऑफर हुआ था, व्हिच इज साइमल्टेनियसली रनिंग, देन चांद तारा में। हमारे कॉलेज में ना रैगिंग का बहुत कल्चर है। ओके, लाइक हमने ना अपनी जुबान से चाट के पूरा किचन साफ किया हुआ है। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू बीइंग मॉरली इनकरेक्ट वे मोर देन मेन आर। जैसे कोई नॉर्मल लड़की बाहर निकली, एक एडेड प्रेशर है कि तुम हर किसी की इज्जत साथ लेके। ये प्रेशर किसी मेरे मेल दोस्त को नहीं बना ली हमने, वी पुट ऑन यूट्यूब, नोबडी वॉच्ड इट। अ ईयर पास्ड, वी फॉरगॉट अबाउट इट, इट क्रॉस्ड लाइक 5 million। वाओ, फ्रॉम लाइक 300 व्यूज टू लाइक 5 million। आई हैव अ थिंग फॉर लाइक जो पुराना आर्किटेक्चर है ना, लाहौर का, पेशावर का, आई हैव अ थिंग फॉर इट। चले, मैं आ रही हूं लाहौर। आप नहीं आई हैं? मैं और लाहौर नहीं गई हूं। Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine. आज जो मेरी मेहमान है, सबसे पहले तो उनका नाम बड़ा मुश्किल है, तो मैं दुआ कर रही हूँ कि मैं नाम सही प्रोनाउंस कर दूँ। लेकिन मैंने उनको सबसे पहले देखा था पार चना दे के वीडियो में। मैंने कहा यार कितनी प्यारी और अच्छी परफॉर्मेंस है, एक्सप्रेशन बड़े अच्छे दे रही हैं। फिर मैंने उनको देखा उम्मीद और फरजाद की बहन एंड दोस्त एज मीमी। मैंने कहा यार ये शक्ल बड़ी जानी पहचानी लग रही है। मैंने कहा यार ये तो वीडियो में देखा था। तो आज हमारे साथ हैं, अब मैं नाम की टेंशन आ गई, आमना यूजार सेफ। सही कर दिया ना? फाइनली। मुझे भी उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, सुना है कि कथक डांस सीखने का शौक है उनको, हॉर्स राइडिंग करती हैं, इन्फ्लुएंसर है, और अगर आप उनके इंस्टाग्राम पे जाएं तो बहुत ही प्यारी मज़े की वीडियोस आपको नज़र आती है, जिनका दिल चाहता है एक के बाद देखते जाओ। तो आइए मिलते हैं आमना से और उनके बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। आई एम सॉरी, आप जिस दिन पे आना चाह रही थी हम नहीं कर सके। मैंने कहा नहीं, इसी दिन आप आ जाएं। आई एम ओनली हैप्पी कि आपको मेरा नाम आ गया। हाँ, सीरियसली देखिए, मैं शुरू में मैंने बिल्कुल सही बोला था, वो इंट्रो में मैं फिसल गई। इससे पहले एक इंट्रो दिया था उसमें सही नाम नहीं मैंने बोला, यूजार सेफ की जगह यूसफ पता नहीं कुछ कर दिया मैंने, हालांकि इतनी प्रैक्टिस की थी। बट कैसी हैं आप, क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मैनेज करना पड़ रहा है ऑल द वर्क, बट इट्स नाइस। बट आप इंजॉय नहीं करी इतनी सक्सेस माशाल्लाह से? टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। आई गो आउट एंड ऑल ऑफ यू गाइस लाइक सब मिलने आते हैं, लोग पहचान रहे होते हैं, तो मेरे तो सब कुछ बहुत नया है। और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अभी आप कह रही थी कैमरा ऑन से पहले कि आपने रियलाइज नहीं किया था कि ड्रामे का इतना इम्पैक्ट होगा। या मतलब मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इवन लाइक फ्रॉम पार चना दे और दिस ड्रामा, इट्स ऑलवेज द थिंग्स जिनसे आप सबसे कम एक्सपेक्ट करते हैं ना, कि वो बस पता नहीं कैसे अल्लाह ताला की कुदरत से दे जस्ट लाइक गो ऑफ। सो ऑल्सो अबाउट द ड्रामा, मुझे था कि मैंने अपने घर वालों को बताया हुआ, एक तो मुझे लगता था मेरी एक्टिंग बहुत ख़राब है क्योंकि मेरी बहन को ना मैं वो भेज रही होती जो मॉनिटर पे वीडियो बना के ना, मैं मेकअप आर्टिस्ट से कहती थी मॉनिटर वीडियो बना, आई यूज्ड टू सेंड इट टू माय सिस्टर एंड शी सेड आमना क्या कर रही हो। सबसे ज्यादा जो मुश्किल टाइम देते हैं ना, आपके अपने घर वाले या आपके फ्रेंड्स देते हैं, जो ट्रू फ्रेंड्स होंगी वो आपकी इतना मतलब आपको जमीन पे लेकर आ जाएंगी फौरन ना। तो मुझे तो था कि मेरी खूब सब बोले कितनी खराब एक्टिंग है तुम्हारी ये वो, बट इट डिड वेल एंड पीपल एक्चुअली लाइक, मुझे था कि इट्स आल्सो बिकॉज़ इट्स अ साइड कैरेक्टर, तो मुझे नहीं पता कि लाइक people would connect with Mimi so much, much as they did. So it was really like, मुझे लगता है बल्कि मैं spoil हो गई कि आपने पहले ही ड्रामा किया और आपको उसका इतना अच्छा feedback मिला है, तो आइंदा अगर कभी ना मिले तो बता कि ये क्या हुआ। अच्छा, और Mimi का character ऐसा था, वो कहते हैं ना वो जो कैरेक्टर आपका दिल जीत लेता है, शुरू में थोड़ा थोड़ा था, फिर वो एकदम से इतना ढेर सारा हो गया, इतना बड़ा कैरेक्टर हो गया। और वो उम्मीद की दोस्त थी, फरजाद की बहन, तो वो हर जगह पॉजिटिव रहती थी, ये सबसे अच्छी, वो कोई नेगेटिव टॉक्सिक किस्म की बहन या दोस्त नहीं थी ना, कोई जेलसी इश्यूज नहीं थे, एंड शी वाज वेरी उसको दिखाया था सॉर्टेड है, बड़ी सेंसिबल है और बहुत सैक्रिफाइसिंग है। हाँ हाँ, वो लगता था दिल से वो उम्मीद के साथ भी सिंसियरली कर रही है, भाई के साथ भी, पर एक के तो पीछे वो वैसी दीवानी थी। आई लव द लास्ट सीन, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई थिंक यू नो सच बताऊँ तो मैं आपसे बात हो रही थी मेरे उस पर और हम कहते अभी करते करते, बट वो मैंने लास्ट सीन देखने का उसी वक्त मैंने आई रियली लाइक्ड योर एक्सप्रेशन जब वेन यू से टू हिम ना कि आपको मैं नजर नहीं आती पूरे ड्रामे में। हाँ। जो अली भाई है ना वो मुझे हाँ। कहते बेटा क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, क्या मतलब सिखा रहे थे ऑब्वियसली। हाँ। लेकिन दैट वाज द फर्स्ट सीन इन द होल ड्रामा व्हेन ही एक्चुअली वाज लाइक
I still remember it. जब फिस्ट बम दिया ही वाज लाइक गुंडी आर्मी बेटा नो इट वाज अ रियली गुड सीन उसमें अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी तो मैंने कहा चलें जी अब तो बैठने का टाइम आ गया मुझे लगता है एंड आई लव्ड वो जो वॉक यू नो इन फ्रंट ऑफ द कार वो भी या अच्छा टेल मी कहाँ से बिलोंग करती हैं आप कहाँ पड़ा हुआ है क्या इतनी सारे शहर है ना जिनके बीच आई एम जिगलिंग आजकल ओके सो देयर इज फैसलाबाद देयर इज इस्लामाबाद वाओ देयर इज पार्ट ऑफ इट हैज अ हॉर्ड तो लाइक मेरा जो इवन लाइक चाइल्डहुड इट्स लाइक ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड कहीं पे भी एक जगह से आई कैन नॉट से लाइक आई वाज बोर्न इन फैसलाबाद एंड देन फिर इस्लामाबाद में भी कुछ अरसा फिर लाहौर एंड कराची तो अभी आजकल से मेरा आना जाना हो रहा है इससे पहले आई थिंक आई केम टू कराची लाइक ओनली वंस दैट्स इट सो कराची में कोई नहीं तो स्कूलिंग कहाँ की है वीक इस्लामाबाद नो इट्स अ मिक्स घर में कौन कौन है आपके मैं हूँ मेरी छोटी बहन है जो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है सबसे बड़ी क्रिटिक आर यू द एल्डेस्ट दो बहनें हैं बस हम बस दो बहनें हैं उसका नाम मोमना है दैट शी इज मोमी और आई एम रियली गुड फ्रेंड्स विद हर लाइक आई थिंक आई एम द क्लोजेस्ट टू हर ओके और ऊपर से मेरी अम्मी है क्यूट सी है बहुत सपोर्टिव है बहुत ज्यादा लाइक आई थिंक शी इज ग्रोइंग विद मी Okay. Especially because all of this is new to her, like koi aur your mom. Yeah. Okay. Because maybe like nobody in my family is doing what I'm doing, and everything is new for them. Like even the social media bit or the dramas or anything. So I think like the best part is that she's ready to like learn with me and unlearn with me. Like wo khud chahti hai ki wo bhi samjhe mujhe. You know, and then she obviously has her boundaries, which she's told me. Yeah. आई थिंक अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें ना बहुत अच्छा होता है तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाते हैं और खुशी भी होती है एक एक चैलेंज वैसे ही कम हो जाता है आपका क्योंकि ऑलरेडी बहुत से चैलेंजेस फेस करने होते हैं सो आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ एनसीएसए आर्किटेक्चर पढ़ रही हूँ एनसीएसए अभी रहता है एक साल एक साल ओके सो हाउ आर यू गोना मैनेज पढ़ाई एक्टिंग इंस्टाग्राम टिकटॉक क्या अच्छा वैसे आर्किटेक्चर जो है ना वो एक्चुअली बड़े मजे का काम है लाइक एनसीए इज आल्सो लाइक आई थिंक एनसीए इज माय होम Okay. Like what NCA makes you, it's just different. क्या बनाता है NCA आपको? Like NCA आके ना बस change हो जाते हैं. कैसे? अब पता नहीं मैं इस बात को कैसे. पहले तो आपकी अच्छी खासी ragging होती है. Okay. तो आप में क्या changes आए? It's just that वो जो एक कहीं पे self belief होता है ना जो आप lack कर रहे होते हैं जो खुद एतमादी होती है. वो it just gives you that. Okay. आप अगर artist हैं भी या नहीं भी है ना the belief that you are an artist it gives you that. Okay. Also another thing, हमारे कॉलेज में ना रैगिंग का बहुत कल्चर है तो उससे एक जो पॉजिटिव चीज होती है ना हम अपने कॉलेज में कहते हैं सरिया okay. इस बंदे का ना सरिया निकालना है अच्छा क्योंकि एक जो अपने घर से आप आते हैं ना तो हर बंदे को ना घर में बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है सही बात है तो आपके अंदर ना एक कॉन्क्रीट होता है एक सरिया होता है कि मैं कोई प्रिंसेस हूँ तो वो आपके अंदर से निकालते हैं फिर देन यू आर लाइक ऑल हम्बल्ड बहुत बुरा करते हैं यार तो क्या मतलब किस किस्म की रैगिंग होती है एग्जाम्पल्स दे सकते हैं या नहीं क्या मैं आपको बताऊँ मतलब आपको लाइक हमने ना अपनी जुबान से चाट के पूरा किचन साफ किया हुआ है लोगों को सुनने में समझ नहीं आएगा कि क्या है जुल्म हो रहा है वो विच इज लाइक इट्स जस्ट अ कल्चर वहाँ का ऐसी कल्चर है मतलब मजाक में भी हो रहा होता है बट लाइक जैसे आपको सीढ़ियों के नीचे सोना पड़ेगा कभी कभी आपको एक दिन हमें पूरा गीला कर दिया पानी से इस तरह की लाइक आपको डस्टबिन में खड़ा कर देंगे चलिए ये मुझे लगता है ये ऐसा है जो आप कर सकते हैं इट्स नथिंग टॉर्चरिंग मुझे ये लगता है लड़कियों को इतना टॉर्चर नहीं करते लड़कों पे होता है लड़कों पे तो लेकिन आर्किटेक्चर का ख्याल कैसे आया शौक था कि ये बनेगी या व्हाट वाज द रीजन यू वेंट इन दैट डायरेक्शन मेरी जिंदगी में ना हर चीज कोइंसिडेंटल हर चीज कोइंसिडेंटल लेकिन मुझे लगता है आर्किटेक्चर एक ऐसी चीज है कि वो आपको शौक नहीं हो तो आप नहीं कर सकते नहीं हाँ नहीं शौक जब व्हेन आई जॉइंड इट तब नहीं था तब मुझे था कि अच्छा मुझे डॉक्टर नहीं बनना इतना मुझे पता है ओके और ये मुझे पता था कि मुझे लाइक आई डोंट वांट टू बी अनएजुकेटेड ठीक मुझे इतना मुझे क्लियर था कि आई वांट अ वेरी नाइस डिग्री और आई वांट टू लाइक गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं पता ना आर्किटेक्चर मैंने एडमिशन ले लिया है बट देन आफ्टर दैट आई एक्चुअली गॉट टू नो कि मजे का काम है बट ड्राइंग अच्छी थी आपकी उसमें तो काफी ड्राइंग ये था ठीक है ड्राइंग अच्छी थी मुझे एनसी जाने का शौक तो ये इन्फ्लुएंसर कैसे बनी आप आर्किटेक्ट से इस डायरेक्शन में कैसे आए वो ये था कि दैट स्टार्टेड एक्चुअली बहुत पहले इवन बिफोर एनसी है इवन बिफोर आई वाजंट एन इन्फ्लुएंसर बट आई वाज इन माय हेड ओके ठीक है आई लाइक हर शी इज वेरी ऑनेस्ट इज लाइक आप समझे ना समझे मैं तो समझती थी अपने आप को आई यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम स्कूल जल्दी से अपने कमरे की कुंडी लगाती थी और मेकअप करके अपना
और अब कुछ नहीं हुआ, लिटरली लाइक मूछे है मेरी और मेकअप करके आई यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा लाइक इन माई इन फ्रंट ऑफ माई फोन और माई मॉम्स फोन फॉर दैट मैटर और जल्दी से बस अपनी तस्वीरें मिला के उस वक्त डब स्मैश होता था. आई वॉज इंट पॉपुलर ऑन डब और डब स्मैश. आई वॉज लिटरली अ किड लाइक मैं कोई एट्थ ग्रेड में होगी नाइन्थ ग्रेड में होगी बट मुझे अपने दिमाग में ना मैं थी कि अच्छा गुड मतलब मैं कुछ कर रही हूँ मुझे मजा आ रहा है. तो तब से वीडियो शौक था उसके बाद लेकिन वीडियोस बनाने का शौक था या एक्टिंग का शौक था? वो जो आप कर रही थी यू वर थिंकिंग मैं एक्टर बनूंगी या यू वर थिंकिंग कि मैं बस इसी तरह कुछ फेमस हो जाऊंगी सोशल मीडिया पे? यू वर जस्ट मेकिंग थिंग्स. नाउ व्हेन आई थिंक बैक एट इट मैं सोचती हूं लाइक मैंने कभी एज सच पर्टिकुलरली नहीं सोचा था कि मुझे एक्टिंग करनी है लेकिन अब जब मैं अपने वापस आके ट्रेट्स देखती हूं ना तो मुझे समझ में आता है कि ओ कीड़ा था पहले से. ये था मेरे. हाँ ये था. मेरी अम्मी बता रही होती है कि तुम लाइक अगर हम कभी बस में जा रहे हैं तो तुम खड़े होकर सब लाइक आई वाज द एंटरटेनर. ओके. सो शी वाज लाइक कि तुम बस में खड़े होकर सबको लाइक डांस करके दिखाती थी इतनी सी. यू वर वेरी ब्रेव माशाल्लाह. आई वाज एन एक्सट्रोवर्ट. ओके. तो मतलब अब मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये था हमेशा. ठीक है. तो फिर इंस्टाग्राम पे यू स्टार्टेड और टिकटॉक पे पहले स्टार्ट किया कहां से? इंस्टाग्राम पे आई स्टार्टेड पुटिंग वीडियोस ऑफ माय सेल्फ दैट सम ऑफ देम लाइक क्योंकि इंस्टाग्राम पे एल्गोरिथम ऐसे इट सपोर्ट्स रील्स तो वो पीपल लाइक्ड इट. ठीक है. फिर वहां से आई डिड दैट म्यूजिक वीडियो. वो कैसे हुई पार चैनल थी? वो भी कोइंसिडेंटली. आपने कहा था उसके पीछे बड़ी कहानी अच्छी है. हाँ. तो मुझे सुननी है वो कहानी. क्या है भाई उसके पीछे कहानी? है कि मी एंड अ बंच ऑफ माय अदर फ्रेंड्स फ्रॉम एनसीए ऑल ऑफ अस लाइक गॉट टुगेदर और हमने वो बनाई. ठीक है. और अपनी तरफ से हम दुनिया के सब लाइक नॉट जस्ट लाइक लॉलीवुड बॉलीवुड हॉल हम दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स थे. उस वक्त हमने इक्विपमेंट बॉयो किया और ये सब किया और बट इट्स नाइसली शॉट. या बिकॉज एवरीबडी बिकॉज एनसीए में वो भी है ना फिल्म एंड टीवी का डिपार्टमेंट भी है तो we took people from that. ठीक है. and then और ये अच्छा ये ऐसी बनाया था कुछ प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था. नहीं. just for the heck of it आप लोगों ने सोचा मतलब हमने कहा बना लेते हैं. ठीक है. हमने कहा यूट्यूब पे लगाएंगे और जो फिल्म एंड टीवी वाले उनका एक तरह से एक पोर्टफोलियो टाइप भी हो जाएगा. अच्छा. क्योंकि वो अपने कॉलेज में दिखा सकते हैं. तो बना ली हमने एंड वी पुट इट ऑन यूट्यूब. नोबडी वॉच्ड इट लाइक हम अब बैठे हमने तो अपने मास्क निकाल लिया. हमने कहा बाहर जाएंगे लोग तो पहचानेंगे हमें. लेकिन नोबडी वॉच्ड इट एंड अ ईयर पास्ड वी फॉरगॉट अबाउट इट. पता नहीं व्हाट हैपेंड. आई थिंक जब अचानक से वो इंडिया में शायद ट्रेंड कर गई या क्या हुआ उसका कि इट क्रॉस्ड लाइक 5 million. वाओ. या कहां से फ्रॉम नथिंग टू 5 million फ्रॉम लाइक 300 व्यूज टू लाइक 5 million एंड देन 6 million 7 million एंड देन व्हाट हैपेंड द टर्निंग पॉइंट वाज दैट अनदर गाय लाइक आई डोंट नो हु ही इज उसने हमारी वीडियो चलाई और पीछे एक गाना लगा लिया रफ्ता रफ्ता कोई गाना वो लगा लिया. ठीक है. वो जरा ज्यादा थोड़ा सा ना ज़्यादा मैसेज के साथ कनेक्ट करने वाला गाना था. Okay. पार चलाने से ज़्यादा. हाँ. ठीक है. तो वो उसने उसके पीछे लगा लिया एंड ही पुट अप दैट वीडियो एंड दैट वीडियो गॉट लाइक आई डोंट नो लाइक 12 मिलियन व्यूज एंड दैट्स वेयर लाइक अभी भी लोग मुझे कहते हैं ना मुझे बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं आप पार चलाने में देखा था वो कहते हैं आपको रफ्ता रफ्ता गाने में देखा. ओह अच्छा. समहाउ वो वीडियो मेरी नज़र से नहीं गुजरी. मैं पार चना मुझे वैसे भी पसंद है. वो वीडियो बड़ी एस्थेटिकली बनी हुई है तो मैं वैसे भी देखती रहती हूँ उसको कभी कभी यू नो. तो मुझे वहाँ से आप याद हैं. yeah. अच्छा. तो फिर लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया और इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बढ़ गई आपकी? हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बढ़ गई. वो मास्क पहनने वाली नौबत नहीं आई अभी तक. लेकिन सुने अब तो आप मास्क पहनेंगी तो लोगों को पता चलेगा ये कोई है. अब ये हो गया है. हाँ अब ये हो गया है. सो अब आप मास्क पहने बगैर चले जाएं तो फिर भी शायद बचत हो जाएगी. मास्क पहन के जाएंगी तो यकीनन पीपल विल बी क्यूरियस कौन है ये जानबूझ के अपनी शक्ल छुपा रहे हैं. अच्छा तो एक्टिंग का ख्याल फिर कैसे आया? एक्टिंग का ख्याल ना आफ्टर पार चना दे आई थिंक आ गया था दिमाग में. ठीक है. लाइक उसके बाद एक था कि अच्छा दिस इज़ समथिंग आई कैन डू. और मुझे ना लाइक आई यूज टू लाइक इन माई रूम लाइक मैं कभी जैसे कोई अच्छा आई हैव दिस हैबिट कि मैं कोई भी ड्रामा या फिल्म देखती हूँ ना आई कैन मेरे ऊपर ना उससे कैरेक्टर मैं बन जाती. ठीक है. लाइक ऐसा होता था एंड माई फैमिली वुड नोटिस. फॉर एग्जाम्पल आई वॉच दिस वन ड्रामा जो कि मैं भी नहीं देख रही थी मेरे घर में कोई देख रहा था कोई इधर मतलब होता ना चलते फिरते देख लेते हैं ड्रामा घर में लोग देख रहे थे. वो एक नीलम मुनीर का ड्रामा था. ओके. इसमें वो बहुत नेगेटिव कोई कैरेक्टर प्ले करी. ठीक है. तो वो कोई बहुत नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करी थी और मैं ड्रामा फॉलो भी नहीं कर रही थी बस मैंने उसको बार बार उसके सीन्स आते तो आई यूज टू लाइक वॉच इट. उसका नाम था उसके अंदर उल्फत. ओके. मैं वही नाम याद करने की कोशिश कर रही थी व्हिच वन यू टॉकिंग अबाउट. अब उसके बाद अब मेरी ना अम्मी मुझे 2-3 दिन बाद कह रही है आना तो उल्फत की तरह ही बोलने लग गई.
और फिर ऐसा बाकी भी जैसे कोई भी मैं मूवी देखूंगी ऐसा हो जाता था. फिर आई वाज लाइक अच्छा इफ आई कैन डू दिस देन आई थिंक आई कैन प्ले अ कैरेक्टर. तो मीमी वाज अ वेरी सॉफ्ट कैरेक्टर पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मुझे कोई बहुत सॉलिड नेगेटिव वैम्प का कैरेक्टर मिले आई कैन डू इट बेटर. चलिए हो जाए ख्वाहिश आपकी वो भी पूरी, आप फिक्र ही नहीं करें. लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कैसे आई, फिर ऑडिशंस देना शुरू कर दिए, ये खुद हो गया कैसे? नहीं ऑडिशंस नहीं दिए थे. आई थिंक पार चनादे के बाद the other guy with me in the video, he also he was offered a drama through hum. Okay. And then uske baad I also got offered this no, I actually pehle mujhe ye nahi offer hua tha, then mujhe inka ek aur drama offer hua tha which is simultaneously running. Then oh, Chantara mein you were offered a role in Chantara. Maybe. Okay. I guess ab to khatam ho gaya. So but you chose this one? No, I didn't choose this one. Phir? पहले मुझे पता नहीं था कि कौन सा ड्रामा है, मुझे इतना पता था कि लाइक मुझे इतना था कि मुझे एक रमजान ड्रामा कर रही हूँ. ठीक है. तो इतनी मुझे नहीं था कि मैं कौन सा है क्या है, बट मुझे इतना पता है कि इट वाज दैट इनिशियली एंड देन इट शिफ्टेड टू दिस. ठीक है. सो स्क्रिप्ट पढ़ा, कैसे डिसाइड किया मुझे ये करना चाहिए एज माय फर्स्ट ड्रामा, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? ऑनेस्ट राबिया, व्हेन यू आर एन आउटसाइडर एंड यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आपके पास इतना प्रिविलेज नहीं होता कि आप चूज करें मेरे लिए. ओके. यू नो लाइक दिस इज अ थिंग, लाइक आप उतने प्रिविलेज नहीं होते कि आप, बिकॉज यू आर नॉट इन अ पोजिशन वेयर यू कैन ऑब्जेक्ट, लाइक आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं फॉर समथिंग वेरी वेरी लाइक समथिंग यू डोंट वांट टू डू एट ऑल. पर वैसे स्पेशली लाइक बिकॉज इट वाज अ रमजान ड्रामा और बहुत अच्छा मुझे लग रहा था कि अच्छा दिस इज अ नाइस स्टार्ट, तो इतना मैं उसके डेप्थ में गई नहीं. Okay. कि मतलब मुझे इतना पता था कैरेक्टर सॉफ्ट, मुझे इतना पता था कि रमजान ड्रामा है. कास्ट पे मुझे था उसे था कि हम सब नए थे. Yeah. I was like, there are so many new people. Yeah. You know, so but I think that worked in favor of us. Yes. Ke there were so many new people. Yes. Yeah. But aapne itna try to nahi kiya hua, aapne auditions bhi nahi diye jiski basis pe matlab aap keh rahi hain ki if you're an outsider you don't have a privilege. So isliye bas main soch rahi thi ki ya to bahut zyada koshish ki hui ho aur opportunity nahi mil rahi ho. Aapko to khud ba khud opportunity mashallah se mili. Ha lekin wo ek hi mili na, to maine kaha chalo. अच्छा शिकवा इस बात का, सॉरी मैं भूल गई, आपने तो पार चना था कि मैं, आपने तो मास्क खरीद लिए थे. ठीक है. सो यू वर थिंकिंग बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी. ओके. एंड फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आप इन्फ्लुएंसर बन गई, जब आपको लोग पहचानने लगे, मूवी वो वीडियो पे भी 5 मिलियन व्यूज आ गए, सो हाउ डिड दे टेक इट? So my mother and my sister were very supportive. Okay. Like my immediate family was very supportive. लेकिन उसके अलावा जो है वो I don't blame them, पर उनको भी वही है कि it's so new for them कि उनके दिमाग में foreign से ना जो चीज़ें आती हैं ना, जो set कुछ चीज़ें हैं वो आती हैं उनके दिमाग में, they're like अच्छा आप तो ये करेगी तो ये करेगी. And then I have this habit, like मैं ना इतनी जल्दी affect नहीं होती. Like I'm not very I'm not Mimi in real life. Okay. I'm not very sacrificing. Okay. Like अगर मुझे पता होगा कि अच्छा मैं कुछ ethically गलत नहीं कर रही, and I can see where this is going, then I won't like मैं इतना bother नहीं होंगी कि मेरे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, and eventually like we went now they're okay with it. हाँ अब तो मतलब वो खुद पहचान रहे होंगे, आपको खुद associate कर रहे होंगे. वाला scene ऐसे क्या था तो फिर. Yeah. What about your father? He also like he's also from the other candy. Okay. But it grew on him. Like now he's okay. He's like अच्छा है, अब अच्छा. ठीक है. Yeah. But college में कैसा response आया? Oh yeah. वहाँ तो मतलब you must be a celebrity in itself. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि I wasn't expecting. Like पार चलाते से I expected a lot initially और initially कुछ नहीं हुआ. Yeah. बाद में जब expectations lose कर दी ना then it got off. Yeah. Similarly with the drama I was like कि मुझे मैं जिनको मैं बताऊँगी ना उनको पता होगा. बाकी किसी को नहीं था बताना. बट आफ्टर माय सेकंड स्पेल ऑफ शूट आई वेंट बैक टू कॉलेज एंड सबसे पहले लाइक द गार्ड उन्होंने मुझे बोला. अच्छा. फिर जो आया थी उन्होंने मुझे बोला कितना अच्छा लग रहा होगा आपको. आई वाज लाइक इट्स कनेक्टिंग विद लाइक एवरीवन, नॉट जस्ट ये नहीं कि सिर्फ बर्गर बच्चे देख रहे हैं बैठ के. दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन आई वाज एन इन्फ्लुएंसर तो पीपल इन माय कॉलेज न्यू मी, पर वो सब मेरी उम्र के बच्चों को पता. Like if you ask the guard, he'll be like, "Kaun hai? It's kaun hai? Of course." Okay. इसकी best बात ये है कि it's like connecting with everyone. Okay. और बड़ा अच्छा लगता है मुझे, लगता है कि जब आप
अपनी मतलब अपनी कम्युनिटी या जिधर कॉलेज या ऑफिस या जहाँ रहते हैं वहाँ जाएँ, वहाँ के लोग आपको आपके काम को रिकग्नाइज करें, तो मुझे हाँ. लगता है वो प्राइड ही डिफरेंट होता है आपको, यू नो, खुशी डिफरेंट होती है. तो कोई फैन रिएक्शन है, कुछ ऐसा हुआ, लोगों ने पहचाना, कुछ किया, एनी थिंग दैट यू कैन शेयर? या इट्स अभी रिसेंटली एक्चुअली इट हैपेंड लाइक डे बिफोर येस्टरडे, के वैसे तो हो जाता है कि पीपल कम अप टू यू एंड दे वुड लाइक टेक अ पिक्चर एंड स्टफ आफ्टर द ड्रामा, बट उसके अलावा समथिंग वेरी 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 क्यूट दैट हैपेंड वाज कि आई वाज ईटिंग लंच, आई वाज हैविंग लंच विद माय फ्रेंड्स, और वहाँ पर देयर वाज अनदर ग्रुप ऑफ गर्ल्स, दे केम अप टू मी, टुक अ पिक्चर, दे वर रियली नाइस, और फिर उसके बाद वो चली गई. ओके. और फिर वो कोई 10 मिनट बाद वापस आई. Yeah. उनके हाथ में लाइक ब्राउनीज थी और कपकेक्स थे. Oh wow. I was like, for you? Yeah. That's they were like, so nice. So they went all the way like mall mein tha wo outlet. So they went all the way to the ground floor, got that and came up, gave it to me and they were like, aapke liye. Yeah. And then they just went that's back. That's so sweet. I was like, that's cute. तो पहला सीन जब ऑन एयर गया, पता था आप जा रहे हैं, डर लग रहा था कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, या यू वर ओके? मुझे लगता है पब्लिक बड़ी ना वो है, कभी कभी रूथलेस भी हो जाती है, स्पेशली नए लोगों के साथ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये है वो है, यू नो, वी वर्ड केसेस. नहीं, वो तो मुझे शोर था कि लोग तो ये कहेंगे कि अच्छा क्या है, क्या कर रही है, लोगों ने कहा ये? नो नो नो, हां बिल्कुल भी नहीं कहा. मतलब आपने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था? दैट वन फीलिंग दैट हम जब पहला एपिसोड आया ना, तो हम शूट पे ही थे और हम सब बैठे हुए थे और हमने सामने टीवी था और हमने हम सब बैठे हुए और हम सीन आ रहे हैं सबके, और पहले एपिसोड में ना एक सीन था. ओके. तो वो जो एक सीन आया ना, आई सॉ माय सेल्फ ऑन टीवी एंड देन एवरीबॉडी, ऑल द कास्ट वाज सो स्वीट, लाइक दे स्टार्टेड क्लैपिंग फॉर मी, दे वर लाइक मीमी का डेब्यू हो गया. सो क्यूट. या एंड आई वाज लाइक डैम, लाइक दिस इज अ गुड फीलिंग. डिड यू लाइक योरसेल्फ ऑन द टीवी? बिकॉज़ बहुत से लोगों को पहली बार अपना आप जो होता है ना, वो पहला सीन देखते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता. नहीं नहीं, आई एक्चुअली लाइक्ड इट. यू लाइक्ड इट? मुझे मजा आया. बट कैसा था पूरा एक्सपीरियंस शूट करने का? आई रिमेम्बर माय फर्स्ट डे वेरी विविडली. ठीक है. मुझे इतना याद है कि मैं पहले दिन सेट पे गई, आई वाज वेरी नर्वस, लाइक आई एम श्योर, लाइक कितनी हालत खराब होगी ना. तो उस टाइम पे उस दिन इतना क्योटिक दिन था मेरा कि मैंने कोई एक दिन में 100 ब्लंडर्स किए होंगे. एक तो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, बिकॉज जो पार्ट सुनाते थी ना, एनी अदर लाइक म्यूजिक वीडियो स्टफ, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देयर नो डायलॉग्स, यू नो, इट्स जस्ट मोस्टली लाइक ब्यूटी शॉट्स. तो मैं मॉडल कर रही थी पहले, तो आई न्यू दैट लाइक ब्यूटी शॉट्स देना मुझे आता था. पर इसमें लाइक मुझे इतना भी नहीं पता था कि इफ लाइक इफ माई मदर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे उनकी लाइट नहीं काटनी, लाइक मुझे इतना भी नहीं पता था. बहुत कुछ सीखने को था. हाँ हाँ हाँ. तो द फर्स्ट डे वो मुझे इतना कुछ, अब फिर वो कट बोलते थे मुझे कट. अब मैं कट हो गया, ठीक है, सब अपने अपने कमरों में जा रहे हैं, कट हो गया. मैं घर कट हो गया, क्या करूँ? जो डायरेक्टर है हमारे अली भाई, यूज़ लाइक आमना खत्म कट हो गया ना, तुम जाओ बेटा कमरे से, निकलेगी ना मीमी कुछ बोल के, जा एग्जिट तो करेगी ना कहीं पे. या फिर मैं एग्जिट करती भी थी ना, तो लाइक फ्रेम के अंदर अंदर ही अंदर जाके खड़ी हो जाती थी. और वो कहते हैं कि फ्रेम से निकलो, फ्रेम से निकलो. एंड देन आई ब्रोक अ ग्लास लंच के टाइम, पहले दिन ग्लास. बहुत अच्छा इंप्रेशन आपने किया. तो वो लोग याद करते थे, वो जिसने पहले दिन ग्लास तोड़ा था वो कहाँ? नहीं नहीं, बेचारे सब वेरी स्वीट थे. और फिर मेरी जो अम्मी बनी थी समझ जी, वेरी स्वीट लेडी, उनके ऊपर आई स्पिल ग्रीन टी और कॉफी आई बिलीव. Oh my मैंने उनके पूरे कपड़ों को पहना दिए. शी वाज, उन्होंने भी रिएक्ट नहीं, उनको भी था कि अच्छा बचा ही नहीं है वैसे. बट आई फेल्ट सो बैड, आई वाज मेरी वापसी की टिकट करा. एक्साइटिंग फर्स्ट डे भाई. या बट याद रहेगा, याद रहेगा अब ये. एंड हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद एवरीवन ऑन द कास्ट? मोस्टली यू वर फरजाद के घर में ना? हां, हम लोग फरजाद के घर में होते थे ज्यादातर. और एवरीवन वाज रियली नाइस, लाइक सभी, लाइक मुझे बल्कि गिल्टी फील हो रहा था कि यार मेरी वजह से रीटेक हो गया है, मेरी वजह से हो गया. पर वो भी ना, मेरा एक हफ्ते के बाद आई गॉट द फ्लो, लाइक एक हफ्ते के बाद मुझे सारी समझ आ गई थी. अच्छा ये मैं करती हूँ ना, तो डायरेक्टर को समझ में आते हैं. ये मैं करती हूँ, नहीं समझ. आई गॉट द टोन ऑफ मीमी. ओके. मुझे समझ में आ गया था. एंड हमजा वो सो नाइस, ही प्लेड फॉर जाद एंड ही वॉज सो नाइस कि वो बेचारे लाइक मेरे सोलोज में वो लाइट्स के दरमियान में वो खड़ा होना पड़ता था ना, कि इसको एक्सप्रेशन लाइक ब्लैंकली लुकिंग इन इनटू द एयर ना देने पड़े, तो वो बेचारे खड़े हो जाते थे. एंड ही वुड लाइक टेल मी बिफोर सीन कि मीमी थोड़ा सा ना आमना थोड़ा ऐसे कर लेना, इसको ना थोड़ा सा ऐसे बोल लेना. एंड दैट हेल्प सो मच. मैं वो एक्चुअली करती थी. एंड अली भाई जो डायरेक्टर थी, ही वाज लाइक गुड. सो लाइक दैट्स सो नाइस. बट दिस इज सो एनकरेजिंग कि सेट पे सब लोग बड़े सपोर्टिव थे एंड यू नो दे वर
helping you grow. So that's a very important thing, I think. मुझे लगता है अच्छा. So आगे acting continue है? अब तो शौक हो गया. There's no going back. है ना? हाँ. अब तो you've tasted the blood. Yeah. Now there's no going back. Okay. शुरू शुरू में ऐसा होता था because I was मुझे आदत थी fashion shoots. कि उसमें आप सुबह अगर 11 बजे जा रहे हैं तो you will get free like by 5 and it was very rewarding. Yeah. But इसकी केस में तो ऐसे था कि हर रोज जाने. Yeah. सुबह 10 बजे जाने, रात को 10 बजे जाने, तो शुरू शुरू में उसे तो वो एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है उसका कोई नेमल बदल नहीं है. वो कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती. जब आप अपने अपनी परफॉर्मेंस पे ऑडियंसेस को यू नो कॉमेंट करते हुए, लाइक करते हुए देखेंगी, आपके वीएम्स बनेंगे, आपके मीम्स बनेंगे, तो मुझे लगता है वो चीज जो है ना, वो उससे बड़ा रिवॉर्ड आपको कोई लगेगा ही नहीं. हाँ, फिर आपका दिल चाहता है. हाँ, फिर आपका दिल चाहेगा. लोगों को पसंद आया, मैं कुछ और अच्छा करूँ. Exactly. Yeah, that's true. But मैं एक और भी देख रही थी. You travel to Peshawar? Oh yeah. On a train? I did. How was that? So much fun. Like मुझे शुक्र है आपने याद करा दिया. This was such a journey. अच्छा मैंने आपको बताया ना, like if I have to describe my personality in like a word, I would say impulsive. ठीक है. Like मेरे plans हैं ऐसे बनते. सही है. Like nothing is planned. So it was me and my friend. Her name is Iman. I know that you would hate me for telling this story. Why? She's always there in all the stories. Even I know Iman. Hello, Iman. I like your hair, short haircut. अच्छा, nice, nice. अच्छा तो Iman जो है, she's also impulsive. ठीक है. तो जो दो impulsive लोग जब मिलते हैं, they make the dumbest but also the best decisions. ठीक है. तो हम दोनों बैठे हुए थे and it was a Saturday and we were together. ठीक है. अब मैं अपने दोस्त से किसी से बात करी हूँ फ़ोन पे, और वो ना बार बार से पूछ रहे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो. मैंने कहा यार हम लोग जा पेशावर जा रहे हैं. ऐसी छोड़ दी. हाँ, 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 हम पेशावर जा रहे हैं, क्या मतलब क्या कर रहे हैं. आप कहते हैं ना कि क्या क्या कर रहे होंगे, हम पेशावर जा रहे हैं. तो इमाम से चलें पेशावर, शी वाज लाइक रैंडम अपनी कोई चीज़ें कर रही है, चलें पेशावर. मैंने उसे हाँ चलो, हम तो जा रहे हैं ना, इमान और मैं जा रहे हैं. एंड ही वाज लाइक कैसे जा रहे हो, क्या पागल हो तुम लोग. हम लोग ट्रेन पर जा रहे हैं. ना मैं कभी ट्रेन पर बैठी हूँ, ना ईमान कभी ट्रेन पर बैठी है, ना हमें कुछ पता है ट्रेन का. और ईमान ने कहा चलो रुको जरा मैं गूगल पर चेक करती हूँ ये ट्रेन का क्या सीन होता है. एंड शी चेक, इट वाज लाइक 1:15 हुए थे. ओके, 1:15 पीएम, 2 बजे की ट्रेन. अभी हम अपने पजामा से बैठे. यू जोकिंग? नो. 2 बजे वाली ट्रेन पकड़ ली? पकड़ ली कैसे? पैकिंग कैसे की? कोई पैकिंग नहीं, उठे हम. हमने सुने वीडियो में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग. कपड़े बदले ना, हमने बस जस्ती से कपड़े पकड़े. एक हुडी पहनी, दिसंबर था आई थिंक, हाँ या जनवरी था, तो एक हुडी पकड़ी. और इमान लाइक्स टू रीड बुक्स, उसने एक बुक पकड़ी. हमने एक रात गुजारनी थी, जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, टूथब्रश वगैरह इस तरह की चीज़ें पकड़ी. दैट्स इट. और निकल गए. और अब हम शदीद बर्गर है, ठीक है, फॉर द ट्रेन स्टेशन. अब हम उतरे हैं वहाँ पर और सब हमें ऐसे देख रहे हैं कि क्या एलियंस आए हैं. ठीक है, इमान स्पेशली शॉर्ट हेयर्स की वजह से बहुत अटेंशन मिलता है ऑन द स्ट्रीट्स. एंड आई वाज लाइक इमान, आई फील लाइक यू आर द सेलिब्रिटी, तुम्हारी वजह से ना इतना अटेंशन, बिकॉज एवरीबॉडी वाज लाइक ये क्या झीलें आई हैं. तो वी ट्रेन लिया हमने वहाँ से. ट्रेन ली हमने. और अब हम ना, अब सब के लिए नॉर्मल है वहाँ. ठीक है, अब सब अपना नॉर्मल रूटीन में इधर उधर जा रहे हैं. अब दो लड़कियां फुल एक्साइटेड हंस रही हैं, ऐसे स्टोरीज बना रही हैं, ये वो लोग भी. कोई डर नहीं लग रहा था कि आके कुछ कह देगा, कुछ हो जाएगा? पेरेंट्स को पता था आप चली गई हैं? हाँ, पेरेंट्स को बता के उन्होंने रोका. मेरी अम्मी तो गई हुई थी, मेरी बहन के साथ दुबई गई. ओके. तो मैंने तो उनको मैसेज किया, मैंने कहा शाम तक पढ़ेंगी. वेरी इंटेलिजेंट, जब तक पता चलेगा मैं तो पहुंच गई. आपने तो पढ़ा ही नहीं मैसेज. तो हमें ये नहीं पता था मैं रात को रहना कहाँ. ओके, ये नहीं पता. फिर अब हम बस फुल एंजॉय करें. हमने, उन्होंने कहा आप एसी वाले केबिन में बैठना. मैंने कहा नहीं, इकॉनमी में जाएंगे. इकॉनमी में हमारे साथ दो कोई आंटियां थी, वो बैठी हुई थी, वो भी अपनी कोई रूटीन में जाती है. वो सब हमें देख रहे हैं कि इतनी एक्साइटमेंट किस बात की ट्रेन में आने की. तो खैर हम कोई रात को पहुँचे उधर. रस्ते में भी खैर हम फुल रील्स बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं. इमान कॉट लाइक पीनट्स और समथिंग, वो खा रहे हैं. वहाँ पहुँचे, हमने कहा चलो अब आई थिंक इट्स अ गुड टाइम पे सोच लेते हैं कि हमने रहना कहाँ पे. नाउ इट्स अ गुड टाइम. तो इमान कहती है आप ना यहाँ से ना एक काम करते हैं, उबर नहीं किया था, यहाँ से मेट्रो पर जाते. मैंने कहा इमान आई थिंक एक दिन के लिए ना इतना एडवेंचर ठीक है. फिर भी फिकर्ड कि हमने कहाँ पर रहना है, सेफ सी जगह थी और एक गेस्ट हाउस था.
बस वहाँ पे हम रहे, अगले दिन सुबह उठ के हम अकेले दोनों बाजारों में फिरे, सब कुछ किया, शॉपिंग की, खाने इतने खाए ओके. लेकिन एक बात मुझे बहुत सैड लगी वैसे. क्या चीज़? आई नो बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे हु आर फ्रॉम पेशावर, बट इट इज़ अ थिंग. अगर आप इस बारे में सोचें तो दैट इज़ अ थिंग कि नॉट जस्ट इन पेशावर, ओवरऑल पाकिस्तान वुमेन पॉपुलेशन इज़ वे मोर देन मैन, राइट? लेकिन अगर आप स्ट्रीट्स पर निकलें या कहीं जाएँ ना, अगर आप स्ट्रीट्स पर निकलें या कहीं पर भी जाएँ तो आपको औरतें नहीं दिखती बिल्कुल कहीं. आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई बंदा अगर नया आया उस जगह पे, या पाकिस्तान में या पेशावर में या कहीं पे भी, उसे लगेगा यहाँ पे औरतें हैं ही नहीं. इट्स अ वेरी प्रीडोमिनेंटली मेल सोसाइटी, यहाँ पे औरतें शायद 2% होंगी, बिकॉज यू डोंट सी एनी वुमेन ऑन द स्ट्रीट्स. पेशावर में आपको नहीं चलो यहाँ पे तो यहाँ पे भी है कि मेजॉरिटी यू सी मैन ऑन द स्ट्रीट्स, बट पेशावर में बहुत ज़्यादा. पेशावर में लाइक इवन हम लोग ना सब अपने पूरा हेड कवर करके, और उससे हमें था कि हमें वी डोंट वांट टू गेट अटेंशन, हमें बिल्कुल इनविजिबल होकर जाना है. बट इवन फॉर दैट लाइक वो भी हमें लोगों के लिए इतना एक अजीब सी चीज़ थी कि दो लड़कियां हैं, इवन इफ देर कवर्ड प्रॉपर्ली, बट दो लड़कियां बाजार में क्या कहेंगी, यू नो, अकेले वो भी. हाँ, अब वो बाजार भी बहुत ओल्ड स्ट्रीट्स थे एंड स्टफ, बट दैट इज़ सैड. लाइक ऐसा क्यों है? इसका मतलब ये है, इसका कंक्लूजन ये है कि आपने इतना अनसेफ उन्हें फील कराया हुआ है औरतों को ओवरऑल पाकिस्तान, नॉट जस्ट पेशावर, कि वो निकलना ही नहीं चाहती बाहर. अच्छा, मुझे लगता है दो तीन चीज़ें होती हैं. एक तो दो तीन चीज़ होती हैं, एक तो कल्चरली शायद अलाउड नहीं होता बहुत जगहों पे, इट्स नॉट दैट दे डोंट वांट टू, कई जगह अलाउड नहीं होता, कई जगह मुझे लगता है कि हमने अपनी मेंटालिटी और अपनी लाइफ स्टाइल भी ऐसे रखा हुआ है कि हम क्यों जाएँ, किसी को भेज के मंगवा लो ना. देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो प्ले कर रहे होते हैं, एक अकेला फैक्टर नहीं हम कर सकते. या बट इट्स सैड टू सी, इट इज सैड. आप सही कह रही हैं, इसीलिए तो मैं बहुत हैरान हुई थी, इसीलिए तो मैंने कहा मैं पूछूंगी भाई वुड यू रिकमेंड एनीबडी एल्स, बिकॉज जनरली तो ये इंप्रेशन, मतलब मैं अभी सुन रही हूँ ना, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि यू एक्चुअली डिड इट. मतलब अगर आप कहती हैं आप लाहौर गई ट्रेन पे, या आप कहती हैं आप कराची आई, मैं फिर भी उसे मुझे इतना ऑड नहीं लगता, मैं कहती हाँ सही है. और एक्चुअली कराची में तो मुझे, लाहौर में तो जाती नहीं, लेकिन कराची में तो मेरे लिए एवरीथिंग इज़ ओके, यू नो, मैं कहीं भी चली जाती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं लगता औरतों के लिए इतना बड़ा. लेकिन फॉर यू टू ट्रैवल अलोन टू पेशावर विद योर फ्रेंड, इट सीम्स समथिंग वेरी अनइमेजिनेबल, समथिंग जो लोग बोलेंगे ये तो बिल्कुल सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है. आपको लगा सेफ था? आप लोगों को रिकमेंड करेंगे, किसी को बोलेंगे एडवेंचर करना है चले जाओ? मैं ये नहीं कह रही कि प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप साथ कुछ खुदा ना खासा बुरा हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी में ना कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत इम्पोर्टेंट है. लाइक बहुत सेफ खेल के आप क्या ही करेंगे? लाइक ओके, यस, यू शुड बी सेफ, यू शुड थिंक अबाउट इट. इतना ये आपको पता होना चाहिए कि आपने रात में रहना कहाँ पे, इतना आपको पता होना चाहिए. लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी कभी आप जो आपकी रूटीन की एक चीज़ है, वो जो सैटरडे था, वो अगर हम अपने घर में भी बैठे हुए होते तो हमें कभी याद आ रहता, वो एक रैंडम सैटरडे था. बट अभी हमने उसका कुछ किया है, वी मेड एन इंपल्सिव प्लान, इट्स समथिंग दैट वी विल ऑलवेज रिमेंबर. और मुझे लगता है अनइंटेंशनली आप एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ पेशावर के बारे में भी बता रही हैं, कि आप गई हैं बट आपके साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की, किसी ने आपको कुछ रोक के नहीं बोला कि भाई तुम, यू डिड फील ऑड बीइंग द ओनली वुमेन और वन ऑफ द फ्यू वुमेन ऑन द रोड, लेकिन अदरवाइज You had a great great day. You had a good trip. So ये actually बड़ी positive बात है उस जगह के बारे में. बल्कि पेशावर के बारे में भी like पहले भी सुना था कि पेशावर में ना there is like this thing that they it's generally women are more respected in Peshawar and that is true. और dealings में भी सब सही था, सब अच्छे से बात कर रहे थे, कोई मसला नहीं हुआ. एक दो सवाल लोगों ने पूछा आप foreigner हैं? नहीं. लेकिन सिर्फ पेशावर का नहीं, मैंने तो आप, मैंने देखा लाहौर में भी कभी गली पे थोड़ा मैं जेलिस भी हुई. मैंने कहा यार इनको अच्छा है, यहाँ भी पिक्चर्स ले रही हैं, वहाँ भी वीडियोस बना रही हैं, और इतनी अच्छी वीडियोस बन रही हैं, स्ट्रीट्स भी कवर कर रही हैं, बिल्डिंग्स भी हैं. सो यू सीम लाइक अ पर्सन हु लाइक्स टू बी आउटडोर एंड एडवेंचरस एंड एक्सप्लोर द सिटी. ऑल्सो आई हैव अ थिंग फॉर लाइक मे बी कम्स फ्रॉम बीइंग एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, लेकिन मुझे ना एक आई हैव अ थिंग फॉर लाइक जो पुराना आर्किटेक्चर है ना, लाहौर का, पेशावर का, आई हैव अ थिंग. मुझे लगता है कि इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई दोस्त बाहर से आएगा ना, और उसको मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान लेके आऊँगी, द फर्स्ट प्लेस दैट आई विल टेक देम टू इज़ लाइक ओल्ड लाहौर. ओके, चले मैं आ रही हूँ लाहौर. आप नहीं आई हैं? मैं ओल्ड लाहौर नहीं गई. बस
हम एक ट्रिप करते हैं और हम एक अच्छा सा व्लॉग भी बनाएंगे उस पे. इट्स मैजिकल. हां, इट्स लाइक अनदर वर्ल्ड. ओके, सो इट्स लाइक यू आर इन अ, यू आर लाइक इन अ मूवी. चले, इंटरेस्टिंग. आपने मुझे काफी, मुझे तो, मैं तो सोचू मैं भी शायद कुछ ऐसे एडवेंचरस चीजें मुझे करनी चाहिए. मुझे अपनी जिंदगी बहुत बोरिंग लग रही है आपसे मिलने के बाद. ना मैं सोचू मैं क्या कर रही हूँ, सोफे पे बैठ के इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज किए जा रही हूँ और कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए. बट बींग अ वुमन इन पाकिस्तान, बींग अ फीमेल, अ यंग गर्ल इन पाकिस्तान, आपको लगता है कि ट्रूली इंडिपेंडेंट हैं आप इन ट्रू सेंस, या कभी कभी कोई चीज़ें हैं जो आप फेस करती हो और आपको लगता है यार मुझे इंडिपेंडेंस या फ्रीडम नहीं हासिल है जो मैं जितना चाहती हूँ? अपने आप थोड़ी सी सीरियस बात हो जाएगी. मैं अपना ओपिनियन, हम सीरियस बात ही कर रहे हैं. हाँ ठीक है, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे हमेशा से ना, दुनिया जब से शुरू हुई है हमेशा से वो जेंडर या वो कॉम हमेशा एक एम्पावर्ड होती है जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होती है. ओके, अब वर्ल्ड इकोनॉमी में ना औरतें इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही जितना मर्द कर रहे हैं. ओके, ठीक है, और औरतों को शौक ही नहीं. अगर उनको, अगर आप एक चॉइस देंगे ना कि यार, जैसे मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में जो अपर मिडिल क्लास हाउस वाइफ है ना, उनसे लाइक आई एम सॉरी टू से बट उनसे ज़्यादा अच्छी जिंदगी किसी की भी नहीं. कि उनको ना, मतलब इट्स जस्ट दैट, ठीक है ये एक बहुत ईजी वे आउट है, लेकिन आप अपने जेंडर के लिए बुरा कर रही हैं. बट आप उन्हें ब्लेम कर सकती हैं अगर आप रेज ही ऐसी हुई हैं? Yeah, if you have been raised like that, yeah, that's true. But like sometimes you have to stand up for yourself. ये कौन? Okay, you do. लेकिन अगर वो awareness ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? अब conversations different हो गई हैं आपकी generation के लिए, आपके लिए, you know, the rights जो आप लोग मांगते हैं वो तो आज से कोई 20-25 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था ना. Things that you are taking for granted, वो तो 25 years back was a big thing. आज आप जाएं तो लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं पाकिस्तान में. सो आपकी बात सही है, बट मुझे लगता है कि सैडली हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो इस तरह की है कि हमें ऐसे सोचा ही नहीं, सोचने की तरबियत नहीं दी गई है कि आपको अपने पांव पे खड़े होना है. आपको हमेशा इतना काबिल बनाते हैं कि आपके लिए अच्छा रिश्ता आ जाए. हाँ एग्जैक्टली. अभी भी आपकी, देखिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपकी सक्सेस किस तरह मेजर की जाती है? क्या आप शादीशुदा हैं? क्या आपकी शादी कामयाब है? क्या आपकी शादी कामयाब? ये एक सैड रियलिटी है. मुझे नहीं पता कि अब ये आपकी एज ग्रुप में, डू यू गाइस थिंक द सेम वे? आप लोग भी लोगों को ऐसे ही जज करते हैं? इट्स डेफिनेटली चेंजिंग. चेंजिंग, हाँ, चेंजिंग. नाउ पीपल आर मोर लाइक अवेयर. उनको पता है कि एक फाइनेंशियली, जितनी भी लड़कियां मैं मिलती हूँ जिनसे भी, दे नो कि जिनसे रैंडमली एक इंटरेक्शन होता है, उनको पता होता है कि अच्छा ठीक है, बट आई शुड बी फाइनेंशियली मुझे कुछ ना कुछ करना है. एंड द बेस्ट पार्ट इज के जो सोशल मीडिया, आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट सोशल मीडिया हैज डन इज के हर बंदे को ना इतना मौका मिल गया है कि वो अपनी खुद की दुकान लगा सके किसी भी चीज़ की. वेदर दैट्स लाइक मी एज एन एक्टर, वेदर दैट्स समवन हु सेलिंग लाइक हैंडमेड बैग्स, एनीथिंग फ्रॉम कुकिंग टू लाइक पोइट्री भी हो सकती है, सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी जस्ट कोट्स. अगर आप लिखते हैं तो आप कुछ बना सकते हैं अपना, यू नो. सो नाउ बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज सो मच इजीियर और इट्स सो इंपॉर्टेंट, इट्स लिटरली सो इंपॉर्टेंट. लेकिन वैसे एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, बट जनरली कोई चीज़ें होती हैं जिसमें आपको लगता है कि लड़कियों को वो भी अभी भी वो इंडिपेंडेंस हासिल नहीं है पाकिस्तान में जो होनी चाहिए, कभी किसी किस चीज़ पर आपको लगता है? वो अपनी जिंदगी चॉइसेस नहीं कर सकते. लाइक इतनी सारी, अगर आप इवन वुमेन हु आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो अपनी जिंदगी की कोई भी मेजर डिसीजन लेंगी विदाउट देयर ब्रदर्स, विदाउट देयर एल्डर वंस, या फिर विदाउट देयर कुछ अपने लिए वो कुछ स्टैंड अप करना चाहेंगी. इवन इफ देयर एथिकली टोटली करेक्ट, दे कैन नॉट डू इट. उनको एक बताइए, हमारी कास्ट में तो ऐसा नहीं होता, हमारे तो ऐसा तो आप कर नहीं सकती. यू आर, इट्स जस्ट दैट वुमेन आर सब्जेक्टेड टू बींग मॉरली इनकरेक्ट वे मोर देन मेन आर. Like, अगर pressure. आप कुछ हल्का सा भी गलत करेंगी ना, तो वो आप जैसे आप बाहर निकली है ना, जैसे कोई नॉर्मल लड़की बाहर निकली है, उस पर एक प्रेशर, एक एडेड प्रेशर है कि तुम हर किसी की इज्जत साथ लेके निकली. ये प्रेशर किसी मेरे मेल दोस्त को नहीं. नहीं, वो ठीक है, वो एक अपने अपने इंडिविजुअली वो एक एथिकली करेक्ट चीज़ें कर रहा है, वो किसी को धोखा नहीं दे रहा, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं कर रहा. अब उसको ये मसला नहीं है कि यार अगर मेरी यहाँ पर हल्की सी तस्वीर भी आ गई ना, तो मेरे तो पूरे खानदान की जो मैं इज्जत साथ लेके आया हूँ वो खत्म हो जाएगी. एक होता है, बट इट्स एन एडेड प्रेशर विद वुमेन. सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं. किसी से आपने ऐसे बात कर ली जो नहीं समझ आया बंदा,
और वो किसी ने देख लिया, वो पिक्चर हाँ. चली गई, वो एक अलहदा, आपके मुंह से कोई गलत बात निकल गई, कुछ कुछ भी हो सकता है. आप सही कह रही हैं, आपके पास इतना मौका नहीं है कि आप मिस्टेक्स कर सकें एज अ वुमन, एज अ वुमन इन दिस कंट्री. यू आर नॉट फॉरगिवन फॉर योर मिस्टेक्स. या यू आर नॉट, या एंड यू आर एक्सपेक्टेड कि यू, आपको बाहर जाने दे रहे हैं, मिस्टेक नहीं करनी है. और तुमने एक गलती कर ली है ना, अब बस तुम्हारी इज्जत खत्म. हम लोग तो शुरू ही हो गए. हमारी टीम भी कह रही है अच्छा भाई ये खवातीन नामा बंद करो. बट क्या करें, मुझे तो मज़ा आ रहा है ऐसी कॉन्वर्सेशंस करने में. मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशंस करना ज़रूरी है. कभी आपको ऐसा लगता है कि इतनी प्यारी है माशाल्लाह से, तो लोग आपको जज करते हैं, अज्यूम करते हैं आपके बारे में चीज़ें, एंड देन यू टॉक तो उनका इंप्रेशन चेंज हो जाता है? प्यारी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली बींग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड बींग फ्रॉम द प्रोफेशन, ओके, लोग आपके बारे में ना एक जनरल अजम्पशन रखते हैं कि इसका ये डम होगी. ओके, लाइक अगर ये मॉडल है या एक्टर है तो ये थोड़ी सी डम होगी, इसको मतलब आप इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात नहीं कर सकते. ठीक है, ये इससे आप मैक्सिमम इतनी बात करें कि मेकअप, बाल, दैट्स नॉट ट्रू. लाइक नाउ स्पेशली, अब तो वो टाइम नहीं है, लाइक देयर आर सो मेनी एजुकेटेड पीपल, देयर आर सो मेनी, लाइक मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दे नो सो मच एंड देयर आर सो मल्टी टैलेंटेड. नहीं, आप सर्वाइव नहीं कर सकते, इट्स अ रिक्वायरमेंट. तो वो चीज होती है. अभी इंडस्ट्री में जब आई है, कोई चैलेंज फेस किया है आपको, आपने, या सब कुछ स्मूथ जा रहा है? अभी तो पीक चल रहा है ना, अभी तो बहुत मजा आ रहा है. चले माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम हैप्पी टू हियर दैट, यू नो. आगे जाके प्रोबेबली नहीं, अल्लाह ना करे, बट इट्स वर्थ इट. आई थिंक जब आप ना, ये बहुत कम लोग हैं राबिया, ये इतना बड़ा प्रिविलेज है, व्हिच आई एम नॉट डिनाइंग, देयर आर सो लाइक लेस पीपल इन दिस कंट्री एंड इन द वर्ल्ड हु आर डूइंग व्हाट दे लव. मतलब ये एक, ये हर किसी के पास नहीं है. ट्रू, लाइक पीपल आर डूइंग, पीपल आर अर्निंग टन्स ऑफ मनी, टन्स ऑफ लाइक जितनी भी मनी करे हैं, और दे आर बीइंग सक्सेसफुल व्हाटएवर, बट दे आर नॉट हैप्पी. दे आर नॉट लाइक, वो पूरा टाइम गिन रहे होते हैं टाइम कि हम कब वापस जाएंगे, कब कंप्यूटर बैठे, कब वापस जाएंगे, कब वापस जाएंगे. एंड वी डोंट हैव दैट. लाइक मुझे अगर सेट पे लेट्स से सपोज 11 बज गए हैं, कुछ भी, आई वोंट बी लाइक, या आई माइट बी फिजिकली टायर्ड, बट आई एम लाइक बट मजा आ रहा होगा. I'm not exhausted कि यार मैं बस, मुझे सैलरी मिले, मैं जाऊं यहां से. You're actually like having fun in what you're doing. That's true. And it's a big blessing. ये बहुत बड़ा privilege है. बहुत बड़ी blessing है. That's true. आप लोग की generation में क्या आप लोग ऐसी चीजें फेस करते हैं? कोई बातें हैं जो सुनने को मिलती हैं? क्या चैलेंजेस आप लोगों के, अ यंग गर्ल लाइक यू, फॉर एग्जाम्पल एक ज़माने में होता था, लड़कियों को कहते थे अपनी शादी पर डांस नहीं करना, बहुत ऊंचा नहीं बोलो, ये कैसे कपड़े पहन लिए हैं, और लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, यू नो, थोड़े पुराने ज़माने की बात करूँ, बट चीज़ें इवॉल्व हो गई हैं. अब ये चीज़ें बहुत सी नहीं सुनने को मिलती, बट कुछ चीज़ें जो आप लोगों पर इस तरह के प्रेशर्स हैं जो आप लोग फेस करते हैं, और वो क्या हैं? वैसे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं. ठीक है, चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, स्पेशली बिकॉज तो, क्योंकि हमारी ना, मुझे लगता है वो आखिरी जनरेशन है, ये जो, बिकॉज जो 2000s के जो हैं, आखिरी जनरेशन किस चीज़ की है? आखिरी जनरेशन है उन लोगों की जिन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखा है. ओके, वैसे तो आपने भी बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखा है, पर हम लोग वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखा है. फ्रॉम दैट, लाइक बचपन में वो पतंग उड़ाने से लेके टू आईपैड्स, लाइक इट्स, वी हैव सीन दैट. Now the people, like मेरे जो छोटे कजन वगैरह, उन्होंने नहीं देखा ये ट्रांजिशन. उन तो पैदा होते ही उनके हाथ में आईपैड है. उस ट्रांजिशन का मसला ये हुआ है कि हम उसके साथ ट्रांजिशन कर गए, लेकिन हमारे अम्मा अब्बा अभी तक उसका ट्रांजिशन नहीं किए. अभी तक वो पहले वाले अम्मा अब्बा ही हैं, लेकिन हम अब चेंज हो चुके. ठीक है, तो लाइक दिस इज माई, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट माई फ्यू, लाइक मेरे 5 साल के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात करें. ठीक है, कि वी फेस दिस थिंग कि अब हमें उनको, वी हैव टू लाइक समहाउ उनको अपने साथ चलाना पड़ता है. उनको भी अपने साथ लेके चलना पड़ता है कि अच्छा अब ऐसे हो गया है, नाउ दिस इज नॉर्मल, नाउ प्लीज कोऑपरेट. ये अच्छा, प्लीज कोऑपरेट, हमने तो करना ही है. इट्स डेफिनेटली बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन, जो जो एक तो जल्दी शादी का लोग, लाइक अब अम्मा बाबा को भी थोड़ा समझ में आ गया कि नहीं पड़ेगी, अच्छी बात है. जो भी अपना एक और चीज, आई थिंक जो मेरी अम्मा अब्बा की जनरेशन से अब तक जो सबसे बड़ा चेंज आया ना, वो ये है कि अब मेरे अम्मी अबू, क्योंकि वो खुद वो नहीं कर सके जो वो एक्चुअली करना चाहते थे, यू नो, लाइक उन, अगर आप उन दोनों से पूछे, उन दोनों के ड्रीम्स वर कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट दे डूइंग. तो अब देयर वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, अब उनको समझ में आ रहा है कि अच्छा सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, अगर ये कुछ करना चाह रही है, आर्किटेक्चर करना चाह रही है, एक्टिंग करना चाहिए, इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज इट्स लाइक एथिकली करेक्ट, इट्स फाइन. True. So that is one very big and very nice change.
What is the concept of compromise for you guys in a relationship? Does it exist? It's negligible. Okay. Like, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आई कैन नॉट मैं जनरलाइज नहीं कर सकती. लेकिन मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कन्वर्सेशंस तो होती होंगी ना दोस्तों में. हाँ. जब बैठ के बात करते होंगे तो कुछ ना कुछ तो ये बात होती होगी कि यार बहुत कम सैक्रिफाइसिंग हो गए इन रिलेशनशिप्स, लाइक एंड दैट इज गुड. आई थिंक दैट इज गुड कॉम्प्रोमाइज. हाँ, एक हेल्दी लेवल तक कॉम्प्रोमाइज बहुत अच्छी चीज़ है. यू नो, क्या आपको अगर आज स्टेक खाने जाना है, मुझे पिज्जा खाने जाना है, हम बीच में कोई जाके सोच लेंगे, थोड़ा सा वॉर्डर कर लेंगे, दैट इज गुड. एक रिलेशनशिप में भी आई थिंक कि कॉम्प्रोमाइज, जैसे अगर समथिंग दैट आई एम सीइंग कि आपके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है, और मैं भी उसको हल्का सा चेंज कर सकती हूँ, मैं मर नहीं जाऊँगी. अगर मैं अड़ी रहूँगी तो दैट इज नॉट गुड. मैं कर सकती हूँ तो दैट मैं कर लूँगी, इट्स ओके. नॉट जस्ट इन लाइक दैट रिलेशनशिप, इवन विद फ्रेंड्स, वो इतना आप करते हैं अगले बंदे के. लेकिन वो जो एक वो एटीट्यूड था ना कि मैं मर जाऊँगी और बस मैं अपनी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर लिया आपके लिए, आप जो कहेंगे वैसा ही होगा, वो एटीट्यूड नहीं है. वो नहीं है अब आप लोगों में. एंड दैट इज रियली गुड. लाइक अब लोगों को पता है कि इतना सैक्रिफाइस ही नहीं करना. और वो जो एक था ना वन साइडेड लव एंड सेल्फलेस लव और द अनकंडीशनल लव, के बस आप जो मर्जी, इवन इफ यू चीट ऑन मी, इवन इफ यू डू व्हाटएवर, मैं बस यहीं पे हूँ, आई एम हियर, दैट इज गॉन. ओके. डिवोर्स हैज लाइक, अगर आप रिसेंट ईयर्स में देखें, डिवोर्स हैज स्टार्टेड टू लाइक लुक लेस वर्स देन पीपल यूज्ड टू थिंक, कि वो इतनी बुरी चीज़ नहीं अब लोगों को लगती. तो लोग उस रिलेशनशिप से निकल जाते हैं जिसमें वो खुश नहीं है, इतने सैक्रिफाइसिंग नहीं है. ओके. लेकिन एक हेल्दी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज अच्छी चीज है. मतलब वो तो अगर मैं बिल्कुल अड़ जाऊंगी किसी बात पे तो फिर तो मेरी दोस्तियां भी नहीं चलेंगी. ट्रू. फिर तो मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा. या तो वो उतना तो करना. क्या दो तीन चीजें जो आपको लगता है आप लोगों से अज्यूम की जाती हैं या कनेक्ट की जाती हैं व्हिच आर नॉट ट्रू? जेन जी बच्चों. एक तो ये किया जाता है कि एक तो ये मुझे मैं एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट इट, इनसे अज्यूम किया जाता है कि इनको अपनी नेटिव लैंग्वेजेस नहीं आती हमें, ठीक है ना. हाँ. जो कि अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, आती है. और जो लोग आपके सामने बन रहे होते हैं ना कि उन्हें नहीं आती, उन्हें भी आती है. ओके. लेकिन वो बस बन रहे होती है. उर्दू में इसको क्या कहते हैं, उन्हें पता होता, अच्छी तरह पता होता है क्या कहते हैं. ओके. तो दैट इज वन अजम्पशन, दैट इज नॉट ट्रू. ठीक है. और उसके अलावा ये है कि ये किया जाता है अज्यूम के देर एक्सेप्टिंग टू अ लेवल वेयर इट्स डेंजरस, कि वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस एज इन लाइक, जैसे मेरी अम्मी जो है ना वो कहती है एक्सेप्टिंग कोई अच्छी बात नहीं है, इतना एक्सेप्टिंग होना कि आप जो इस्लाम के खिलाफ उसको एक्सेप्ट कर लो. मैंने कहा नहीं अम्मा, इसका ये मतलब नहीं कि आप इस्लाम के खिलाफ उसको एक्सेप्ट कर लें, इसका बस मतलब ये कि आप को एग्जिस्ट करना सीखें. आप टॉलरेंट हैं. कि आप टॉलरेंट हैं, अगर अगले बंदे के बिलीफ आपसे मैच नहीं करे तो इट्स ओके. अब आपने उसको जरूरी नहीं है कि उसको आपने मार के ठीक करके वापस भेज दें, इट्स ओके. मतलब यू कैन स्टिल लाइक हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड दैट्स फाइन. ओके. सो यू बट यू फील यू गाइस आर मोर टॉलरेंट? वी आर. ओके. What do you guys usually look for a guy? आजकल क्या requirements हैं भाई आप लोगों की? Cute होना चाहिए बस. बस. So simple. बस यहाँ पे खत्म. नहीं मतलब personality में यार कुछ तो ना हो कि intelligent हो, books पढ़ता हो, travel करता हो, या independent हो, या I don't know cooking आती हो, गाना आता हो, कुछ ऐसा. मैं तो वैसे बहुत ही मैं भी फजूल एग्जांपल्स दे रही हूँ, मतलब कुछ बेसिक कुछ तो होना चाहिए. वैसे तो लाइक मेरा लाइक फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट हो, फ्रेंडशिप को हम प्रेफर करते हैं ओवर लव, और करियर को हमारी फैसिलिटेट करे, ऐसी बातें कुछ हैं या नहीं? ऐसी बातें सपोर्टिव. उसके अलावा देयर इज अनदर थिंग, आजकल मेरी जनरेशन के तो सब लड़कियों को ना कोरियन लड़के बहुत पसंद आते हैं. सीरियसली? बहुत. ये तो बहुत बड़ा चेंज है. मुझे नहीं आया, पता नहीं. हाँ. Like, मुझे लगता है मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ अपनी जनरेशन से. उनको इतने पसंद आ गए कि दे लव कोरियन मैन एंड उनका फैशन और उनका थोड़ा सा वो मुझे इतना नहीं अच्छे लगते. लेकिन उसके अलावा ये जो आप बात कर रही है ना, ये बहुत वैलिड है. लाइक अब जिस तरह मैं आपको बताई हूँ लड़कियाँ लेस सैक्रिफाइसिंग होगी, तो उनके लिए चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. कि वो एक वजह था ना कि आपका अगर जो पार्टनर है ही हैज़ टू बी हेयर एंड यू हैव टू बी हेयर, दैट हैज़ चेंज नाउ. दे डोंट वॉन्ट इट. दे वॉन्ट कि आपके मतलब उसको पता हो कि ठीक है ही इज़ वर्किंग, यू आर वर्किंग, ही शुड बी सपोर्टिव ऑफ दैट. आपको अपना करियर शादी के बाद बिल्कुल ही, वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि बस शादी तक करियर है उसके बाद खत्म, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. तो यू लुक फॉर इट कि मतलब उसको भी आपके ड्रीम्स की कदर होनी चाहिए. ट्रू. मतलब अगर आप उसके कोई ड्रीम्स हैं, यू हेल्प हिम अचीव दैट. यू हेल्प हिम, यू ही हेल्प्स यू अचीव दैट. एंड अदर थिंग इज के वो जो एक
कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी है ना वो थोड़ा सा आगे आगे हाँ थोड़ा सा सो हर चीज शेयर करने की जरूरत नहीं है नहीं मतलब आपको अगर आप मियाँ बीवी हैं या आप रिलेशनशिप में तो जरूरी नहीं है कि आपने हर वक्त एक दूसरे के सर पे सवार है ओके सो दैट्स गिविंग स्पेस पर्सनल स्पेस या दैट्स गिविंग स्पेस इज लाइक नाउ पीपल हैव लर्न्ड दैट बट प्राइवेसी आई वुड से शेयरिंग फोन नंबर शेयरिंग फोन पासवर्ड्स यस मस्ट नो आई नो आई डोंट थिंक पीपल डू दैट सो उसको भी वो समझते हैं यार तो मेरी स्पेस में इस तरह एंटर नहीं हो सकती नॉट दैट आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग लेकिन हर बंदे की एक अपनी स्पेस होती है भाई अब पाकिस्तान में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी से कॉन्सेप्ट नहीं कुछ कह दूँ ना कि यार आपने मेरी अलमारी से ये कर दिया वो कर दिया तब नहीं आता जब छोटे होते मैं ये करती होती थी तब कह देती कि मुझे स्पेस दे दो मैंने कहा यार ये अच्छा बोला है उन्होंने उन्होंने कहा तुमने मुझे पहले से खराब करके मेरी आदतें रखी हैं अब तो मैं घुसूंगी तुम्हारी अलमारी में अब तुम कुछ नहीं कह सकती ओके दिस इज़ इंटरेस्टिंग टू नो आई एम ऑल्सो हैप्पी टू हेयर कि अच्छा ट्रांजिशन हो रही हैं माइंड सेट्स आर चेंजिंग बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग तो चेंज हो रहे हैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो रही हैं यू आर क्लियर व्हाट यू वांट लेकिन आपको लग रहा है कि क्या दूसरी साइड जो मर्द हजरात हैं या जो लड़के हैं वो भी इसी तरीके से चेंज हो रहे हैं आर दे ऑल्सो एबल टू एक्सेप्ट द चेंज दैट इज़ हैपनिंग इन द गर्ल्स अराउंड देम या Okay. और उनको भी वो चाहिए like, वो भी आपको लाइक बीवियाँ भी लाइक नो ऑफेंस टू वुमेन बट वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी पहले अब उनको भी लड़कों को भी है कि यार ठीक है मेरी भी एक मेरे भी दोस्त हैं मेरी भी एक अपनी जिंदगी है लाइक एक जो एक था ना हर वक्त की मुझे हर वक्त साथ लेके चलो मैं बीवी में छोटी सी दैट हैज चेंज्ड उनको भी बेचारों को अपनी जिंदगी चाहिए अपनी एक स्पेस चाहिए तो या दे आर डेफिनेटली ऑल्सो चेंज Another thing, Rabia, that I wanted to add, which is totally irrelevant from this. लेकिन मैं ना सोच के आई थी आज क्योंकि बोले बोले कि ये जो पूरा मैंने ड्रामा वाला सिचुएशन किया ना एंड ऑल ऑफ दैट लाइक नाउ द पॉइंट दैट आई एम सिटिंग हियर अभी मुझे ये बात हिट की है वो ये है कि जिंदगी में ना मैनिफेस्टेशन इज एवरी थिंग रियली इट्स एवरी थिंग लाइक आई हैव मैनिफेस्टेड दिस दिस आई हैव मैनिफेस्टेड दिस इंटरव्यू Yeah, this interview, the drama, everything. I have manifested this life for myself. Okay. You know, like, वो जो एक manifest तो मुझे इतना अच्छा word नहीं लगता मुझे ज़्यादा अच्छा पता है क्या लगता है मुझे वो जो वो इसका dialogue नहीं है शाहरुख खान का कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहें तो सारी कायनात उसको मिलाने के लिए जुड़ जाती है And that is so true. So basically आप ये कह रही हैं कि ख्वाब देखिए ख्वाब देखिए और लाइक और बड़े ख्वाब देखिए और डरे मत और ख्वाब देखना बंद नहीं कीजिए हाँ एंड लाइक जस्ट लाइक चले ना इवन इफ इट्स साउंड्स इम्पॉसिबल लुक्स इम्पॉसिबल जस्ट लाइक यार आप मुझे खराब कर रही हैं मैं बहुत इम्पॉसिबल बातें सोचना शुरू कर दूंगी दैट्स गुड राबिया इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन दैट यू आर हैविंग बिकॉज आई एग्री विद यू बट आई ऑल्सो फील बहुत ज़्यादा खुशफहम नहीं कर देता कभी कभी आपको इतना ख्वाब देखना वट इफ दे डोंट कम ट्रू देन क्या मसला है खुशफहम तो आपको और देख लिखा ओके बट दुख नहीं होता जब वो ख्वाब पूरा नहीं हो मतलब मैंने तो मैं वही आपको कह रही हूँ कि पता नहीं क्या पावर ऑफ मैनिफेस्टिंग बट आप एक्चुअली लाइक दिस इज द डायलॉग इज एक्चुअली ट्रू लाइक अगर आप किसी चीज़ के पीछे लगे रहें और आपने सोची भी है वो बात और वो चले आपको भूल भी जाती है आप उस प्रोसेस में फिर भी लगे हुए वो बात आपको भूल गई है बट सम हाउ द यूनिवर्स कनेक्टेड विद यू यू गेट दैट लाइफ यू गेट दैट थिंग हाँ अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेज भी होते हैं लोगों के ख्वाब पूरे नहीं भी होते लेकिन That shouldn't stop you from dreaming. Actually, आपने अपनी ही बात में मेरे सवाल का जवाब दिया और आपने अपनी ही बात को कि ख्वाब देखिए कोशिश कीजिए कोशिश करना बंद नहीं कीजिए बिकॉज दैट इज वॉट यू सिंग कीप ट्राइंग डोंट गिव अप यू नो लगे रहे हैं आप उसमें हाँ अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं फिर ख्वाब देखें तो फिर तो ज़रा मुश्किल है ना बट कोशिश उस तरफ जारी रखें तो ओके सो मैनिफेस्टेशन ख्वाब कुछ लोगों के अंदर ये होता है ना कि नहीं यार मैंने कहा कर लेना है नहीं यार मैंने क्या मुझे देखे तुमने मैंने क्या ही कर लेना है स्टॉप सेइंग दैट स्टॉप सेइंग दैट लाइक यू आप क्यों नहीं कर सकते अगर आप सोचे अगर राबिया अभी आज प्लान करती है मैं कल मैं एक साल बाद एक एस्ट्रोनॉट ये ख्वाब आप मत देखिएगा वो पूरा नहीं होगा नहीं मेरी ख्वाब ही नहीं मैंने सोचा आप ना आप भी कुछ रियलिस्टिक ख्वाब मेरे लिए सोचेंगी कि आप ऑस्कर से किसी को इंटरव्यू कर रही हैं वो तो फिर भी पॉसिबल हो सकता है इंशाल्लाह और क्या पता हो भी जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह So you never know, but हाँ you're right. I believe in that. ख्वाब देखने चाहिए और अच्छे बड़े ख्वाब देखने चाहिए क्या होगा यार और कोशिश मुझे लगता है कोशिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नेवर गिव अप
नेवर गिव अप, यू नो, एक चीज नहीं तो दूसरी चीज पे कोशिश करें. मुझसे ना वो नहीं लिया जाता जो लोग बैठ जाते हैं ना नेगेटिव होके, अब क्या हो, हाँ आई एम लाइक नहीं यार ये नहीं, वो खड़े हो जाओ, बस रो लिया, आंसू साफ करो, खड़े हो, स्टार्ट वर्किंग अगेन, यू नो, कीप वर्किंग, कीप मूविंग, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, एज लॉन्ग एज यू कीप मूविंग कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा. अच्छा, तो हाउ वाज द फेरी टेल के बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप, टू रैप अप द इंटरव्यू, एनीथिंग फॉर द कास्ट, एनीथिंग फॉर योर को एक्टर्स, एनीथिंग फॉर द ऑडियंसेस हु लव्ड यू सो मच? एक तो लाइक थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मीनी सो मच लव. लाइक मैंने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लोगों के साथ इतना कनेक्ट करेगी वो, कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे उस लड़की से कुछ सीख लेना चाहिए, बिकॉज़ शी इज लाइक एवरीबॉडी इज लाइक शी इज सो नाइस, शी इज लाइक एम आई दैट नाइस, कि एम आई एज नाइस एज मीमी इज? सो लाइक एक तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू इट. और मैं थोड़ी सी स्पॉइल हो गई हूँ कि अगर अगला मैं कोई ड्रामा करूँ आप उसको इतना प्यार ना दे सकें तो मैं तो like I don't know how I chali jaungi because it was my debut aur usko itna logon ne pasand kiya to yeah. I think I'm spoiled. okay nahi yeah. Allah kare aapko achhi opportunities milti rahe aur Allah kare aapko ye mohabbat aur izzat isse bhi zyada mile khair aur afiyat ke sath. mujhe ye bataye koi aur cheeze aapne sign ki hain, any scripts that you're reading, any offers, are we going to see you very soon again, what's inshallah. going on? yeah. inshallah there are a few things that I am looking into. wo देख रही हैं, स्क्रिप्ट हो रही हैं, सब हो रहा है, लेकिन अभी फाइनल कुछ नहीं किया. अब आप मुझसे ज़्यादा पूछेंगे फिर मैं बता दूँ. मुझे पता है वैसे, अभी हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हमें सब साइन हो चुका है भाई, मैं बता दूँ साइन हो चुका है, आई नो किधर, बट हम अभी नहीं बता रहे. व्हेनेवर शी इज रेडी शी विल लेट एवरीवन नो. बट आप एक्सपेक्ट, जो आप रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी या रिस्पॉन्स, वही आया या उससे ज़्यादा बेहतर आया? बहुत बेहतर आया. मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट वे बेटर ओके. एंड अम्मी क्या कहती हैं? अम्मी वो मेरे घर वाले का, तो घर वालों का तो यही मसला है ना, वो तो कहते हैं कि बहुत ख़राब एक्टिंग है तुम्हारी. अच्छा. बट अब वो उनका होता है, लाइक घर वाले हमेशा आपके क्रिटिक्स ही होते हैं, बट ऑल्सो शी इज़ हैप्पी फॉर, लाइक मैं उनको देख रही होती हूँ कि वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई अम्मी टीचर्स, राइट, सो आई वेंट टू हर कॉलेज वेयर शी टीचर्स, और वहाँ पर जितनी बच्चियाँ थी, ऑल ऑफ देम लाइक गैदर्ड अराउंड हर ऑफिस. ओह माय गुडनेस. या आई वाज लाइक दैट इज सो क्यूट. और मेरी अम्मी को भी ना, लाइक आई कुड सी इट ऑन हर फेस दैट शी She's liking it. Yes, of course. उन्हें बहुत proud feel हो रहा होगा. हाँ, वो मुझे कहती नहीं है. हाँ. But I could tell that she doesn't hate it. She likes it. बहन को भी ले जाओ उसके दोस्तों के साथ कहीं ना, उधर भी जरा पता चले कि तुम्हारी क्या, आपकी क्या इम्पोर्टेंट होनी पक्की की ठीक है. ओके ओके. Is she planning to come in this direction या नहीं? No, she's very like studious. Studious. ओके. Studious तो आप भी हैं भैया, आर्किटेक्चर कर रही हैं, कोई हॉली चीज नहीं है अच्छी खासी. वो मेरी वाली स्टूडियोज नहीं है, वो सही वाली स्टूडियोज. ओके चले ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आमना, हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन विद यू, एंड आई होप दैट हम आपको बहुत जल्द और अच्छे यू नो कैरेक्टर्स में देखें, ड्रामो में देखें, और आपको और कामयाबी दे अल्लाह. इंशाल्लाह रबिया, एंड ऑनेस्टली लाइक यू आर सो ईजी टू टॉक टू, लाइक आपसे बात करना इज लाइक, क्योंकि मैं आई थी ना तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं what if like it's like hum pehli baar mil rahe hain, what if it's really like awkward, you but you were like aise lagi na ki hum pehli baar baat kar rahe hain. no hum to, aur mujhe lag raha hai ye to abhi humne thoda hamara ek interview ka time hota hai. ha main to soch rahi hu hum badi achhi conversations kar sakte hain, especially women related, jiski mujhe lagta hai ki bahut zarurat hai, we should have these conversations. I hope people don't get offended by that, like aap log thoda sa agar positively unbiased hoke soche to itni buri opinions nahi hote jo aapke opinion se match nahi bhi agar kar rahe hote. yeah we should just need to listen, aap agree karte hain nahi karte, move on, you know. yeah. but no need to be negative and toxic and disrespectful. yeah. I think that's the most important thing. theek hai ji, you take lots of care of yourself and wish you all the best. thank you Rabia, bye bye.